एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल से एक बार सहायता वालों की स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं जो कि पंगलान गाड़ी से सब नजदीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक घर के अंदर जो कि कोबरा सांप पा चुका है, जो कि काफ़ी बड़े साइज का कोबरा सांप है। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास करें। तो हमारी वीडियो में अंदर बुलेगा इसके बारे में आपको उत्तराखंड जानकारी दी इसके। देखिए काफ़ी पुराना सांप है जो कि कोबरा है और काफ़ी घुसेल भी है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा जो कि कोबरा सांप है। देखिए दोस्तों ऐसे घरों में जो कि अपने ढोसले की तलाश में अक्सर ऐसे सांप आ जाते हैं, तो इन सांपों से आप छेड़छाड़ ना करें अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी ना हो। तो देखिए दोस्तों काफ़ी जो कि जुटीला सांप है। देखिए दोस्तों ये बार बार मेरे पे अटैक करने का जो कि इसका प्रयास। तो देखिए दोस्तों करीबन 5 फीट का सांप है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी गुस्से में है और शायद हमसे नाराज भी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको इन सांपों के बारे में कोई भी जानकारी ना हो तो आप इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा किसी भाई को कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सांप है जो कि पलटवार करने का जो कि इसकी जो कि प्रयास है। तो कई बार अक्सर हमारी वीडियो देख के लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा जो मेरा कार्य है। लेकिन दोस्तों हमारा कार्य आपको कैसा लगा तो हमें लाइक कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि इन सांपों के बारे में हम आपको अधिक जानकारी दे सकें। तो लेकिन दोस्तों बार बार जो कि इसका प्रयास। लेकिन दोस्तों इसकी हुंकार काफ़ी तेज जो कि हुंकार है इसकी, और काफ़ी गुस्से में भी ये सांप। लेकिन दोस्तों जो कि हम दिन रात जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो कि जान बचाने का भी हमारा प्रयास रहता है, अगर किसी भाई को कोई भी सांप काट लेता है तो हमारे पास एक बार कॉल जरूर करें, ताकि इसके बारे में हम आपको जानकारी दे सकें और किसी इंसान की जान भी बच सके। लेकिन दोस्तों इसे मैं हैंडल कर लेता हूँ सही ढंग से, ताकि सांप को भी कोई नुकसान ना हो और हमें भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों काफ़ी जो कि अच्छा मूवमेंट दे रहा है ये सांप। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट करता है तो आप किसी भी झाड़ियों के चक्करों में ना पड़े और आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो तो उसी में अपना ट्रीटमेंट कराए, ताकि इंसान की जान बचाई जा सके। तो झाड़ियों से जो कि इस कोबरा सांप का विष नहीं उतरेगा और किसी इंसान की जान भी जा सकती है, तो ऐसे झाड़ियों को से आप दूर रहें। इसे मैं थोड़ा बात की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ फर्श है और फर्श के ऊपर जो कि फिसलन ज़्यादा होती है और इसको रेस्क्यू करना भी मुश्किल होता है, तो इसे मैं बात की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी करने की कोशिश ना करें, अन्यथा किसी भाई को कोई भी नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये सांप जो कि बाइट करने का इसका जो कि प्रयास, तो देखिए कितना जो कि अपनी कोशिश कर रहा है बाइट करने की। तो देखिए ये विष से भरा हुआ कोबरा सांप है। तो देखिए दोस्तों ये ऊपर के जो दो दांत होते हैं इन्हीं से ये इंसान को बाइट करता है और अपना जो कि वेनम किसी इंसान या जानवर के अंदर छोड़ देता है और उसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। तो लगभग 45 मिनट में इसके बाइट करने के बाद इंसान के पूरे बॉडी में इसका विष फैल जाता है और इंसान को ज़्यादातर हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है। तो अपना ट्रीटमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराए, ताकि किसी इंसान की जान ना जाए। तो देखिए दोस्तों इसे मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ, और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी करने की या नकल करने की कोशिश ना करें, अन्यथा किसी को कोई नुकसान भी हो सकता है।
तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने डिब्बे में पैक कर दिया। तो अभी दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक मन सहदेव वाल्मीकि के नाम से उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारियाँ मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक बचा सके। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।